बहुत अच्छा रहा। डीएम साहब जन आए हैं उनका चलते चल बढ़ले, इतना रोड पर लफुआ जितना पिया कर चोर चाय घूमत रहन वो कुछ ना, इतना अच्छा है आपकी डीएम साहब आई बनी, इतना आदमी खुश बन उनका कहते हम तो खूबसूरत लगा। देखिए खूबसूरती जब होती है तो मन को तसल्ली मिलता है जी, तब लगता है कि मेरे शहर भी आओ कोई देखने। पहले क्या थी बहुत मतलब एक शर्मिंदगी टाइप की लगती थी अच्छा। लेकिन आज जो है इतना अच्छा लगता है, आज देखिए लाइट जल रही है इस छोर से उस छोर दिख गया, कितनी अच्छी प्रशंसा है, कितनी प्रशंसा। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और अब इसके बारे में क्या कहा जाए, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितना बदलाव नजर आया लगभग आपको ये एक साल के दौरान? बहुत 75%। क्या क्या लगभग बदला? रोड लाइट। देर है दुरुस्त है, हमेशा सासाराम सवालों के घेरे में रहता था, कभी गंदगी को लेकर, कभी सड़क को लेकर, कभी जाम को लेकर, एक न एक समस्या पीछा किया ही रहता था सासाराम का। लेकिन अभी जो सासाराम की सड़कें हैं वो आपको एक बार दिखा दिया जाए, सड़क जो है वो पानी की तरह साफ नज़र आ रही होगी आपको, ना कहीं कोई गंदगी अभी दिख रही है, ना सड़क पे कोई गड्ढा दिख रहा है। और इस सड़क के डिवाइडर को भी एक बार दिखाया जाए, डिवाइडर का जो कलर है थोड़ा सा उस पर फोकस किया जाए, रात में जो भी गाड़ी का लाइट जाएगा साफ साफ दिखेगा डिवाइडर, पीला और काला कलर से इसको पुतवा दिया गया है। और इस डिवाइडर पर लगे इस दूधिया रोशनी के लाइट को भी एक बार कैमरे में कैद किया जाए, तो आपको ये जो तीनों समीकरण दिख रहा है, हमेशा इसको लेकर सासाराम सवालों के घेरे में रहता था। लेकिन अभी 12 बज रहे हैं रात को और हम मौजूद हैं सासाराम की सड़कों पर, क्योंकि जब किसी भी चीज़ की नकारात्मक पहलू पे जोर दिया जाता है तो उस शहर के सकारात्मक पहलू जब आए तो उसको भी दिखाना हमारा फर्ज है। तो सासाराम में अभी सकारात्मक खबर है कि लाइट की रोशनी से पूरा शहर नहा रहा है अभी, और जो लाइट नहीं रहने के कारण आए दिन आपको छीना छोरी का मामला आता था, आए दिन बहुत सारे मन में डर भी होते थे रात में चलने में, चूँकि अंधेरा हर जगह होता था, लेकिन अभी रोशनी हर जगह हो चुका है और इस रोशनी में लोग काफ़ी सुकून के साथ चल पा रहे हैं और अच्छा महसूस भी कर रहे हैं। हम इस शहर की एक और खास बता दें कि हर जगह कैमरे के भी पुख्ता इंतजाम किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। तो आपको मैं बता दूं कि जिलाधिकारी महोदय के आने से एक चीज़ ज़रूर बदला है, कुछ बदले या ना बदले, राजनीति का जो गर्मा गर्मी है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। लोग विधायक जी और सांसद जी से उम्मीद खो चुके हैं, अब उम्मीद किससे लगाया जा रहा है, तो जिलाधिकारी महोदय से। भाई क्यों? क्योंकि विकास चाहिए शहर में, वोट दिए विधायक को सांसद को तो फिर इनसे उम्मीद क्यों लगाया जा रहा है। और थोड़ी सी किसी चीज़ में 19 काम हो जाता है तो सवालों के घेरे में भी यही लोग आते हैं, और जब 20 होता है तो वाहवाही भी लूटा जाता है। लेकिन राजनीति के दो कुर्सी पर बैठे दिग्गज लोग कहाँ हैं, उनको लोग क्यों नहीं याद कर रहे हैं, इन जो विकास की वजह है इनकी वजह वो क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों जिला प्रशासन को लोग याद कर रहे हैं। खैर अच्छा है, शहर का काम होना चाहिए, शहर का नाम होना चाहिए और शहर पे सकारात्मक खबर भी हमेशा बने रहना चाहिए। तो आइए कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं कैसा लग रहा है अब उनको सासाराम में, बात कर लेते हैं और जानने के प्रयास भी करते हैं कि क्या लग रहा है इस बार, कैसा लग रहा है अब सासाराम में, नए सासाराम में रह के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मतलब कुछ समय पहले भी आपको ये सड़क लाइट ये सब का स्थिति आपने देखा होगा, और आज अभी लाइट आज जला है, तो मतलब ये दोनों में कितना अंतर है, क्या कुछ बदलेगा इस लाइट और रोड के कारण? जो अंदर से फीलिंग, जो बेटर फीलिंग आती है जी, वो फीलिंग आ रहा है, लग रहा है कि आज हम लोग शहर में हैं, शहर में हैं आज लग रहा है। हम लोग पैदाइश यहाँ के हैं, बचपन से हम लोग बचपन खेला यहाँ शहरों में, लेकिन कभी ऐसी स्थिति हमने पैदा नहीं देखा था जो आज की स्थिति है। जितना खूबसूरत लग, देखिए खूबसूरती जब होती है तो मन को तसल्ली मिलता है जी, तब लगता है कि मेरे शहर भी आओ कोई देखने। पहले क्या थी बहुत मतलब एक शर्मिंदगी टाइप की लगती थी अच्छा। लेकिन आज जो है इतना अच्छा लगता है, आज देखिए लाइट जल रही है इस छोर से उस छोर दिख गया, कितनी अच्छी प्रशंसा है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, जान लीजिए। तो आज का जो रोड देख लीजिए आप, इतना बढ़िया रोड कहीं 4 लेन पे भी नहीं है,
सिक्स लेन आज बन रहा है, सिक्स लेन पर भी आज इस तरह का रोड नहीं है, गड्ढा मुक्त। गड्ढा मुक्त आज ये शहर गड्ढा मुक्त हो गया है, बहुत अच्छा है। और सर का जो पहल है डीएम साहब का, जितनी प्रशंसा की जाए और जितना शहरवासियों की तरफ से आभार व्यक्त किया जाए वो कम होगा, कम होगा। न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। तो अभी यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, थोड़ी ही दूरी पे जिला अधिकारी महोदय का आवास भी है और इधर बिजली विभाग का भी पूरा ये कैंपस है, लेकिन यहाँ पे लोगों का आवागमन थोड़ा ज़्यादा होता है चूँकि यहाँ पे लोगों की भूख मिटाने के लिए संतोष भोजनालय भी है। भाई यहाँ पे तो लोगों का आवागमन जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा और उनके मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि इनको उस समय में जब ये लाइट नहीं लगा था तो आपका होटल था, तो उस समय इतने रात में लोग आते थे और फिर वापस अकेले घर को जाना होता था, कितना परेशानी सुनने को मिलता था। परेशानी तो था, परेशानी था। तो मतलब अभी आपको क्या लग रहा है, लाइट लगने से क्या क्या चीज़ बदलना चाहिए? अब अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और अब इसके बारे में क्या कहा जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। पहले मतलब ऐसा लाइट नहीं रहने के कारण कोई घटना है, ये लाइट कहीं टोल प्लाजा तक लग जाए तो और अच्छा रहेगा, टोल प्लाजा तक लग जाए तो और अच्छा था। चलिए बहुत बहुत अच्छा है। एक और लोग हमारे साथ मौजूद, कहाँ से रहने वाले हैं? यही के रहने वाले। अभी देखिए पूरे शहर को दुधिया रोशनी से नहला दिया गया है, कैसा लग रहा है अभी सासाराम में? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितना बदलाव नजर आया लगभग आपको ये एक साल के दौरान? बहुत, 75%। क्या क्या लगभग बदला? रोड लाइट। चलिए बहुत अच्छा है। अभी और भी लोग हैं, बताइए लाइट लगने से कितना अच्छा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या बदला आपको नजर आ रहा है इधर? बहुत अच्छा। आपकी डीएम साहब जो आए हैं उनका चलते साल भर इतना रोड पर लफुआ जितना पिया कर चोर चाई घूमत रहन वो कुछ ना, इतना अच्छा है। आपकी डीएम साहब आई बनी, इतना आदमी खुश बन उनका कहते हम तो और खुश भाई पूरा, जितना दुकान पर आदमी आ रहा तो डीएम साहब के बड़गी करना तो वैसा डीएम आज तक लेना ही रहन ससरम में। न भूतो न भविष्य, कुछ ना कुछ ना, इतना अच्छा ही नहीं बनी, इतना रोड पर पिया कर ना लफुआ कुछ ना। चलिए तो आप सुन पा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के प्रति लोगों का जो सिंपैथी है वो खुल कर सामने आ रहा है, क्योंकि एक वो दौर भी था जब लाइट नहीं रहने के कारण लोग छीना झोरी हो जाता था, लोग पी कर ही रोड पे पड़े रहते थे, लोगों में भय का माहौल बना रहता था। लेकिन अभी जो रोशनी लग गया है, कैमरा लग गया है, लोगों में डर का जो माहौल था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और जिलाधिकारी के प्रति धन्यवाद सभी लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल लेते हैं विदा, धन्यवाद।